हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी के मोबाइल रिपेयरिंग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बता रहे हैं हाउ टू मल्टीमीटर यूज, हमको किस तरह से यूज करना है मल्टीमीटर मोबाइल रिपेयरिंग के दौरान में। देखिए दोस्तों, और सिर्फ मोबाइल रिपेयरिंग का मैं इसमें मल्टीमीटर का यूज बता रहा हूँ दोस्तों, अदरवाइज और मैं कुछ नहीं बताऊँगा। बस दो सेटअप है वो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मोबाइल में कौन सा यूज होता है। चलिए दोस्तों, सबसे हम तो फाइंड करते हैं दोस्तों, पहला वाला सेटअप जो है फाइंड इसको कर रहे हैं। जैसे देख लिए हैं दोस्तों, यहाँ पे DC20 है और मैंने DC20 पे मैंने सेट कर दिया। चलिए दोस्तों, ये रहा मेरा J2 का बैटरी, इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि मेरा कितना वोल्टेज आ रहा है बैटरी में। चलिए दोस्तों, ये ब्लैक वाला को ब्लैक पर रखते हैं और माइनस वाला को माइनस पर रखते हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ब्लैक वाला को ब्लैक पर, माइनस वाला को माइनस पे रखते हैं दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों, मेरा फाइंड हो चुका है 4 ऐसे कुछ रीडिंग दे रहा है दोस्तों। ये मेरा बैटरी वही 80-90 के बीच में परसेंटेज है बैटरी चार्ज का, ये मेरा चार्ज है बैटरी। और ये एक हुआ दोस्तों सेटअप, और दूसरा सेटअप ये बता रहा हूँ। और ये मेरे पास है दोस्तों, देख लीजिए B310 का बोर्ड है, जैसे कि मैंने अभी अभी ये चार्जिंग कनेक्टर मैंने चेंज किया हूँ दोस्तों। जैसे कि अभी हम इसको हम चेक करते हैं दोस्तों, जैसे ये मेरा PC में लगा हुआ है डाटा केबल, इसको मैं अंदर कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट कर दिया दोस्तों, ये बहुत टाइट बुझा रहा है, लगा दिया दोस्तों। और इसको हमको बैटरी कनेक्टर पर रीडिंग करना है, ये मेरा पिन सही से लगा हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों, देख रहे हैं दोस्तों 4.80 कुछ ऐसे वोल्टेज फेंक रहा है, मेरा पिन सही से लगा हुआ है। इस तरह से आप लोग फाइंड कीजिए दोस्तों, DC20 का फाइंड कीजिए, DC20 पर रख के दोस्तों। देख रहे हैं वोल्टेज मेरा ठीक ठाक है दोस्तों, पिन अच्छा से लग गया। और उसके बाद दूसरा सेटअप जो है दोस्तों बजट रिंग का है, वो मैं बता रहा हूँ जो यूज होता है सेलफोन में दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग करने के दौरान में जो आप यूज कीजिएगा मल्टीमीटर का, और वो कौन सा पॉइंट है इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ये वजट रिंग है, इसको वजट रिंग पर कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे कर लिए हैं। और ये दोनों को सटा के देखना है मेरा वजट कर रहा है कि नहीं, मेरा मल्टीमीटर वजट कर रहा है कि नहीं, इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे हम सटा के देखते हैं, देखिए दोस्तों फाइंड कर रहा है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बैटरी कनेक्टर को रीडिंग लेते हैं, मेरा बोर्ड सही है कि नहीं है दोस्तों। जैसे यहाँ पे हम कनेक्टर पे, चलिए दोस्तों इसको हम सीधा कर लेते हैं थोड़ा, देख रहे हैं दोस्तों मेरा ये रीडिंग शो कर रहा है, ठीक बुझा रहा है दोस्तों, बोर्ड सही है। हालांकि मैं तो अभी ऑन करके नहीं देखा हूँ दोस्तों, बोर्ड सही बुझा रहा है दोस्तों। और इस तरह से हम फाइंड करते हैं, देखिए दोस्तों 2 ऐसे 300 फेंक रहा है रीडिंग, ठीक है, बोर्ड तो वैसे ठीक बुझा रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत का इशू तो नहीं दिखा रहा है दोस्तों। इस तरह से आप वजट रीडिंग पर फाइंड कर सकते हैं मेरा बोर्ड सही है कि नहीं। चलिए दोस्तों, और कुछ इसमें स्टेप मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे को बल जैसे देख रहे हैं ये दोस्तों, ये रेड वाला को यहाँ पर रखना है और आपको इसमें फाइंड करते जाना है कंपोनेंट सब डायोड सब। जैसे यहाँ पे मैं इसको दे रहा हूँ,
ये देखिए वजट कर रहा है दोस्तों। वजट करा, इधर देंगे तो रीडिंग फेंकेगा दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों 293 का ऐसे रीडिंग आ रहा है यहाँ पे दिए तो। और इसको भी देखना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर भी मेरा रीडिंग दे रहा है। इस साइड ग्राउंड रहता है दोस्तों और इस साइड रीडिंग देता है। जैसे कि ये मेरा दोनों वाइट वाला डायोड ठीक है दोस्तों। जिसे आपको किस तरह से और फाइंड करना है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक वाला जो ये डायोड है, देखिए दोस्तों मेरा मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा है 3, 2, 1, 2, 2 ऐसे रीडिंग दे रहा है। ये मेरा ठीक है ब्लैक वाला। इधर से भी फाइंड करती है दोस्तों, इधर से भी। ये ग्राउंड, ये दोस्तों ग्राउंड नहीं रहता, ये मेरा यहाँ पे है दोस्तों। इसको भी फाइंड कर लिए और इसको भी करते हैं। ये देखिए मेरा वजट नहीं कर रहा है दोस्तों, ये मेरा ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखिए यहाँ पे सीपीयू के जो साइड में कंपोनेंट सब लगा हुआ है डायोड सब, इसको भी फाइंड एक बार कर लेते हैं। वजट 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 वजट, इधर से सारा ये वाइट वाला डायोड देखिए दोस्तों, ये ग्राउंड है। और इस तरह से हम फाइंड करते हैं इस साइड से, देखिए दोस्तों रीडिंग दे रहा है, रीडिंग दे रहा है, वजट नहीं कर रहा है दोस्तों, रीडिंग दे रहा है, रीडिंग दे रहा है, रीडिंग दे रहा है। ये तो हो गया दोस्तों। और उसके बाद देखते हैं, आते हैं ये वाइट वाला को चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों ग्राउंड है और इस तरह से रीडिंग आ रहा है साइड वाला से रीडिंग वगैरह। चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में तो बता ही दिया हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं लगता है अच्छा तो मत कीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह का मैं टेक्नोलॉजी वाला वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, नमस्कार।